हाय फ्रेंड्स, चलिए ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। ये ऑटोकैड स्टार्ट हो गया। अभी तक इन पार्ट्स में मैंने सिर्फ आपको टूल्स के बारे में बताया है, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार और डायमेंशन टूल बार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इन टूल्स के हेल्प से एक्सरसाइज करने के लिए बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा कि 3D में किस तरह काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को रिवीजन क्लाउड तक बताया था, तो हम उससे आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। उससे अगला टूल है स्पलाइन। यह है स्पलाइन, या तो आप इस पर क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर स्पलाइन का शॉर्टकट कमांड होता है SPL, फिर इंटर। ये स्पलाइन टूल एक्टिवेट हो गया। अब जिस तरह से स्पलाइन टूल को हमें स्केच करना है, वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्लिक कर देंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर अब लास्ट में यहाँ पे, मतलब कि इतना बड़ा अगर स्पलाइन रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप याद रखिए कि इस टूल को हटाने के लिए, और आप चाहते हैं कि यह स्प्लाइन बना रहे और ये टूल भी डिसलेक्ट हो जाए, तो आप उसके लिए इस्केप नहीं दबाइएगा, आप उसके लिए इंटर दबाइएगा, इंटर। ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसे इसमें कुछ वेरिएशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर एक बार क्लिक कीजिए और इसको आप जिधर चाहते हैं उधर ड्रैग कर सकते हैं। आप इसका जैसा शेप देना चाहते हैं उस तरह का इसका शेप दे सकते हैं। तो वैसे तो स्प्लाइन में सिर्फ दो पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, बाकी जो सारे बीच में होते हैं वो नोड्स होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, आप इस पर राइट क्लिक, सॉरी इस पर एक बार क्लिक करिए और इस पर कंट्रोल वर्टिसेस पे क्लिक कर लीजिए। आप इसके वर्टिसेस की हेल्प से आप इससे जिस तरह का शेप देना चाहते हैं उस तरह का इसका शेप दे सकते हैं। फिर से SPL इंटर कर लेते हैं और इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आप इस टूल को डिसलेक्ट करने के लिए स्केप नहीं दबा करके आप इंटर दबाएंगे, इंटर। ये आप देख सकते हैं स्पलाइन ड्रॉ हो गया। इसे डिलीट कर देते हैं। अगला टूल है इलिप्स। हम इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए या तो इलिप्स पे क्लिक कर लेते हैं या फिर इसका शॉर्टकट कमांड होता है EL पे इंटर। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आप जहाँ पे इलिप्स को ड्रॉ करना चाहते हैं उसके सेंटर पॉइंट को आप क्लिक कर लीजिए, या हमने मान के चलते जैसे हमने यहाँ क्लिक कर लिया। अब इलिप्स में एक कंडीशन है, अगर आप स्टार्ट करते हैं माइनर एक्सिस से, तो माइनर एक्सिस आप जितना भी यहाँ पे माइनर एक्सिस का वैल्यू देंगे वो उसका हाफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसका हाफ हो जाएगा। तो ये 60 अभी है, तो मान के चलते हैं माइनर एक्सिस अगर 100 करते हैं, 100 mm, तो ये ऑटोमेटिकली 50 mm हो जाएगा, इंटर। फिर ये 50 mm हो गया। अब इसका मेजर एक्सिस दे देते हैं, मेजर एक्सिस जैसे कि कर देते हैं 60, इंटर। तब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला 60 mm है और ये 50 है। तो इस 50 के लिए तो हमने वैल्यूज 100 mm दिया था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हाफ हो गया। तो ये एक कंडीशन है इलिप्स का, कि आप अगर पहली बार जो वैल्यू देते हैं माइनर हो या मेजर हो, तो वो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली वो हाफ हो जाएगा, और इस जो सेकेंड वाले आप वैल्यू दोगे वहाँ वो जितना वैल्यू दोगे आप उतना ही हो रहेगा। तो एक बार और इलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं इस सेंटर पॉइंट से। इस आप किधर भी किसी को भी रोटेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जैसे इसको रख लेते हैं 80 mm, इंटर। ये ऑलरेडी 40 हो गया। अब इसका मेजर एक्सिस दे देते हैं, तो जैसे अगर वो 80 था तो वो 40 हो गया था, तो अब इसको हम कर देते हैं जैसे कि 50। तब देख सकते हैं ये मेजर है और ये माइनर एक्सिस है। इसको डिलीट करते हैं। टूल है इलिप्स आर्क। इलिप्स आर को भी सेम प्रोसेस से ड्रॉ करेंगे।
ईएल इंटर से या फिर इस पर क्लिक कर लेंगे। अब जहाँ भी इलिप्स आर्क ड्रॉ करना है उस पॉइंट को एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब ये एक्सिस देना है, या तो आप मेजर एक्सिस इसको दे सकते हैं या तो फिर आप माइनर एक्सिस पर। कंडीशन वो सेम होगा कि आप पहली बार जो भी वैल्यू दोगे उसका वो हाफ हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ कर दिया 80, इंटर। अब ये आप 80 था वो, तो वो 40 हो गया, पर अगर 40 से कम आप रखना चाहते हैं तो वो माइनर एक्सिस होगा, और 40 से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो मेजर एक्सिस होगा। तो जैसे कि हम कर देते हैं इसको 30 mm, इंटर। अब इलिप्स आर्क के लिए आप जहाँ से भी आर्क काटना चाहते हैं आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये एंगल है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं 0 से। अब ये 0 यहाँ पे था, तो अब यहाँ से अगर वो 0 स्टार्ट करा है तो इसके अकॉर्डिंग वो काटेगा कि कहाँ से कहाँ पे काटना है। आप कहीं पे भी रख के काट सकते हैं। तो जैसे हमने की कर दिया 90, आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 90 डिग्री तक ही काटा, 0 से 90 डिग्री तक ही काटा, ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री। देखिए आप, ये 90 डिग्री का है। अगर आप किसी को भी डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं और वो नहीं दिख रहा है तो आप उसके लिए डी प्रेस कीजिए, फिर इंटर, फिर मॉडिफाई में, फिर इस फीट में जा करके इस स्केल को सिर्फ बढ़ा लेना है, फिर ओके, फिर इसके बाद सेट करेंट देन क्लोज। ये दिखने लगा 90 बड़ा हो गया। हम आगे आपको डायमेंशन को देने के लिए किस तरह डायमेंशन को देते हैं हम उसके बारे में बताएंगे, पर अभी सिर्फ टूल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार इलिप्स आर्क। इलिप्स आर्क पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे भी इलिप्स आर्क यहाँ पे क्लिक करना है, फिर मेजर या माइनर एक्सिस दे देते हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं कौन सा रखना है, फिर ओके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हमें यहाँ से चाहिए तो हम जैसे कि इंटर कर लेते हैं 90, फिर अब कहाँ से इधर अगर रखना है तो इधर के वैल्यू देंगे, और इधर का रखना है तो इधर का वैल्यू देंगे। तो इस तरफ जाते हैं तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक रखना है तो हम उसका वैल्यू कर देते हैं 180 तक। तो ये 180 एंगल तक कट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट। अब कितने भी एंगल पे कितने भी इलिप्स आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इन सबको डिलीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दो टूल्स के बारे में, जो कि यहाँ पे तो वो नहीं है पर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो पहला टूल होगा डिवाइड और दूसरा टूल होगा मेजर। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एक डायमेंशन के साथ ड्रॉ करेंगे, वो होगा 200 mm का लाइन। और एक और 200 mm का लाइन, तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डिवाइड टूल को और इस पे अप्लाई करेंगे मेजर टूल को। जैसे कि ये दोनों के दोनों 200 mm का लाइन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 200 mm का लाइन और ये भी है 200 mm का लाइन। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको डायमेंशन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप देखिए इसको। तो अब इस पे हम लोग डिवाइड अप्लाई करते हैं, मतलब इस लाइन को हम कितने पार्ट में इसे डिवाइड करना चाहते हैं
उसको हम किस तरह से करेंगे? तो डिवाइड के लिए आप इंटर करिए अपने कीवर्ड में div, फिर इंटर। अब ये बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जितने पार्ट में इसे डिवाइड करना है उतना हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 10 कर दिया इंटर। अब ये 10 पार्ट में डिवाइड तो हो गया पर आपको दिख नहीं रहा है। अब इसे कितना भी जूम कर लेंगे आपको ये दिखेगा नहीं कि ये दिख रहा है कि कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, पर हमने इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो अब इसे देखने के लिए हम एक पॉइंट टाइप का हेल्प लेते हैं। तो पॉइंट टाइप को आप किस तरह निकालें? तो पॉइंट टाइप को ओपन करने के लिए आप इंटर करिए अपने कीबोर्ड में PT पॉइंट टाइप, ये नीचे है पॉइंट टाइप, फिर इंटर। अब देख सकते हैं पॉइंट स्टाइल ओपन हो गया। पॉइंट स्टाइल में आप किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको चूज कर लिया, फिर ओके, फिर इसको हमने चूज करा, फिर ओके। तो ये लाइन 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, देख सकते हैं इसका डायमेंशन यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 20 है, मतलब ये 20-20 mm पे ये 10 भाग में बट गया। तो हमने इसको 10 भाग में डिवाइड करा था, तो ये 10 भाग में डिवाइड हो गया। अब दूसरा है मेजर, तो मेजर को अप्लाई करने के लिए इंटर करते हैं ME, फिर इंटर। अब इस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अब कितने भाग में इसको बांटना है, कितने भाग में इसको मेजर करना है, तो जैसे हमने कर लिया 10, इंटर। अब इसको दिखाते हैं हम यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 mm है। तो फिर दोनों में आके डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस ये है कि जब हम किसी भी अगर हम 200 mm के लाइन को हमने 10 भाग में बांटा तो 20-20 mm के पार्ट में वो डिवाइड हो गया, पर जब हमने इसको मेजर किया तो 10-10 mm के गैप पे वो कितने भाग में डिवाइड हुआ वो यहाँ पे शो करेगा। हमने दोनों का वैल्यू 10 ही दिया था, तो ये 10 भाग में 20-20 mm पे डिवाइड हुआ, और इसके लिए जब हमने 10 mm का वैल्यू दिया था तो ये 10-10 mm पे जितने भी पार्ट में डिवाइड हुआ होगा वो उस पार्ट को यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि 200 mm का लाइन था और हमने 10-10 mm पे डिवाइड करा तो ये 20 भाग में बट गया। ये था डिवाइड और ये था मेजरमेंट डिफरेंस। इसको डिलीट करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।